हाय देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सीएफए लेवल वन को लेकर के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं, बिकॉज सीएफए लेवल वन में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जस्ट इन केस यू आर गिविंग योर लेवल वन एग्जामिनेशन और यू आर थिंकिंग टू गिव योर लेवल वन एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं, सीएफए को लेकर के हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, एकेडमिक अपडेट्स एंड एवरीथिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज हियर। इसके अलावा आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा टॉपिक आने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। सीएफए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एलिजिबिलिटी को लेकर के अपने नियम बदले हैं। अब ये नियम क्या हैं, किन पे लागू होते हैं, किन पे ये एप्लीकेबल है, विल टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप विंडो कब ओपन हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अदर स्टफ्स एज वेल। सो बने रहिए वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रेट अवे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी इंस्टीट्यूट ने जो चेंज किया है वो ये किया है कि अब 23 मंथ्स और फ्यूअर बिफोर योर ग्रेजुएशन मंथ यू कैन स्टार्ट और एक्चुअली गिव योर लेवल वन एग्जामिनेशन। नाउ यहाँ पे मंथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डेज मत देखिएगा, मंथ्स देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रेजुएशन जून में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन सपोज करो कंप्लीट होने वाली है जून 2025 में, क्लियर, तो वहां से 23 मंथ्स पहले तक होता है जुलाई 2023, क्लियर। तो आप अपना लेवल वन का एग्जामिनेशन जुलाई 2023 या फिर उसके बाद दे पाओगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है उस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले मंथ तक। अच्छा, यहां ग्रेजुएशन कंप्लीट का मतलब क्या है, टू गिव एग्जाम्स और टू गेट द रिजल्ट? The answer is obviously to get the result. आपको जब result आपके हाथ में आ जाएगा graduation का, तभी consider किया जाएगा that your graduation is complete and उस month से 23 months यानी लगभग 2 साल 1 महीना और कम आपको calculate करना है और आप अपना level 1 का examination उस समय दे सकते हैं। Now the best part is exam देना और register करने में और भी gap हो सकता है। Usually register कोई भी student 6 से 8 महीने पहले करते हैं exam के लिए, तो यहाँ पे आप roughly ये मान करके चल सकते हैं कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले आप अपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ऑब्वियसली ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, बट इफ यू वांट टू आप एग्जामिनेशन 2-2.5 साल पहले आराम से रजिस्टर कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, गिव योर लेवल वन एंड उसके बाद में आगे का रास्ता शुरू कर सकते हैं। बाद बाकी आप सोच रहे होंगे कि सर हमें लेवल टू कब देने को मिलेगा, तो देखो लेवल टू आपको अभी भी जो नियम है वही नियम अभी भी फॉलो होगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना लेवल टू दे सकते हो। अगेन द सेम थिंग विल अप्लाई हियर, आपका जिस भी मंथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में आपका मंथ ऑफ लेवल टू होना चाहिए। तो पॉसिबली जितना मुझे लगता है इंडिया में या बाहर भी कहीं पे ग्रेजुएशन यूजुअली जो रिजल्ट है वो आ जाता है जून जुलाई के आसपास तक, तो डेफिनेटली तो वहां से कोई भी बच्चा अगर अटेम्प्ट लेना चाह रहा है तो फिर उसके बाद के ही अटेम्प्ट्स उनके लिए खुलते हैं, विच इज ऑब्वियसली अगस्त एंड नवंबर। तो लेवल टू के एग्जामिनेशन किस साइकिल में हो रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, बट यूजुअली ये दोनों टर्म्स पे अभी फिलहाल जो रूटीन है उसके हिसाब से हो रहे हैं। सो एनीबडी कैन आई फॉर अगस्त एंड नवंबर फॉलोइंग देयर ग्रेजुएशन मंथ, क्लियर। बट हेयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस अनाउंसमेंट के बाद, क्या अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आने के बाद में विल इट रिक्वायर लेसर टाइम टू कंप्लीट सी एफ ए लेवल 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली? देन आई वुड से नॉट एग्जैक्टली, टाइम तो उतना ही लगेगा, बट यस आप इस पूरे प्रोसेस में अपने 6 महीने से लेकर 1 साल तक बचा सकते हो, बस इतना ही बच सकता है, ठीक है ना। 6 months to 12 months आपका ओवरऑल यहाँ पे बच सकता है, वो इसलिए बिकॉज नाउ यू कैन स्टार्ट अर्लियर बट यू विल फिनिश विद द सेम ड्यूरेशन और आपका कॉस्ट भी उतना ही लगने वाला है, सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले अगर एक पर्टिकुलर एज पे सीएफ लेवल 3 क्लियर होता था तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस एज को 1 साल पहले ही अचीव कर सकते हैं, लेवल 3 कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू, हाउएवर दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी। तो आप पूछेंगे सर रेकमेंडेड आपकी तरफ से क्या है ये बता दो, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से किसी भी क्लास 12 पास आउट को हरी नहीं करना चाहिए टू गेट इनटू द सीएफए करिकुलम।
सीएफए के एग्जाम्स के लिए कोई भी स्टूडेंट को पहला बात फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू क्लियर योर एंटायर फर्स्ट ईयर और उसके बाद में ही आप रजिस्टर कर पाओगे फॉर योर लेवल वन एग्जामिनेशन. ये बात ध्यान रखिएगा. एक्चुअली आप दे सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद में, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा 6-7 महीने और अपना ग्रेजुएशन देखिए पहले, एंड ग्रेजुएशन के साथ में ट्राई कि आप सीएफए से रिलेटेड कुछ फ्री रिसोर्सेज पे ध्यान दें. जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको ये करिकुलम पसंद है, क्या आपको ये पढ़ाई अच्छी लग रही है. अगर अच्छी लग रही है करिकुलम देखने के बाद, इंटरेस्टेड हो, यू कैन स्टिल टेक योर कॉल इजीली. आपको क्लास 12 के बाद हरी करने की जरूरत नहीं है. मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड तरीका होगा वो ये होगा कि आप रजिस्टर करो लेवल 1 के लिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली तब मैं कह रहा हूं जब मैं ये मान रहा हूं कि आप एक 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हो, बट जस्ट इन केस यू आर इन अ 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, सब में 1+ ऐड कर लेना. यानी कि ये फर्स्ट ईयर की जगह हो जाएगा आपके लिए सेकेंड ईयर, और जहां सेकेंड ईयर लिखा है वहां पे हो जाएगा थर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले लेवल 1 के लिए रजिस्टर कर देना चाहिए इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन. अब आप ये कभी भी कर सकते हो. आई वुड रिकमेंड फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड सेमेस्टर में ये काम कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में मत कीजिए. इन द फर्स्ट 6 months, please find your calling whether you actually want to do this or not. So पहला वो आप जरूर करें. This is recommended as a बड़े भैया for you. ठीक है, अगर मुझे अपना ही business देखना है या फिर अपने ही enrollments देखने हैं, obviously I can recommend that. लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी calling पे जरूर विश्वास कीजिए. There are parallel courses as well. तो उन सारे parallel courses से compare कीजिए. अगर आप interested हो CFA के लिए और seriously interested हो, तब please enroll कीजिए. This is a high स्टेक गेम. यहाँ पे काफी ज्यादा एनरोलमेंट फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, एंड ऑब्वियसली ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ देयर इज अ कॉलिंग फ्रॉम विद इन, देन स्टार्ट. प्लीज किसी देखने पे शुरू मत कीजिए. इसके अलावा लेवल 1 एग्जाम अपना ये हुआ. अच्छा, लेवल 1 का एग्जाम कब देना चाहिए? अपने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के आसपास में दे देना चाहिए. अब सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप अपना लेवल 1 एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, तब मेरे हिसाब से क्या है, अगर मैं ये मान रहा हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई की, सब बढ़िया से किया, लेवल 1 आपका क्लियर हो जाएगा बाय द टाइम यू विल बी इन योर थर्ड ईयर, वो भी एकदम अर्ली थर्ड ईयर में. वहां से आपके पास 1 साल आराम से मिल जाएगा फॉर योर लेवल 2 एग्जामिनेशन, और आप अपने लेवल 2 एग्जामिनेशन को अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के जस्ट बाद तक दे सकते हैं. सो आपके पास टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 1 साल है लेवल 1 को प्रिपेयर करने के लिए, लेवल 2 के लिए भी 1 साल प्रिपेयर करने के लिए है. ये मोर देन एनफ है फॉर बोथ द लेवल्स टू प्रिपेयर. हाँ, अगर आप इसमें भी थोड़ा सा ट्विच चाहते हैं कि नहीं सर लेवल 2 हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप 3 महीने पहले साइकिल प्लान कर सकते हैं फॉर लेवल 1, एंड लेवल 2 आप वही टाइम पे देंगे ग्रेजुएशन के बाद वाला नेक्स्ट टर्म पे. तो इससे आपके पास में थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा फॉर लेवल 2 एज वेल, बट दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. आई वुड रादर रिकमेंड कि आराम से लेवल 2 का एग्जाम दीजिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर थर्ड ईयर, और लेवल 1 दीजिए सेकेंड ईयर के एंड के आसपास. इसके अलावा जब आपका सेकेंड लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको इमीडिएटली या तो कोई इंटर्नशिप या तो कोई जॉब करना चाहिए. रेकमेंडेड है ये, एकदम रेकमेंडेड है, बिकॉज आपकी कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी होगी, यू विल बी रेडी टू मूव आउट ऑफ योर सिटी एज वेल. सो ऐसे में इंटर्नशिप या जॉब करना विल गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स, आप अपने पहले स्विच के लिए भी रेडी हो, तो 6 महीने से 1 साल के जॉब एक्सपीरियंस के बाद में आप अपने लेवल 1 के लिए, लेवल 3 के लिए बैठ सकते. अब जो आप अपने लेवल 3 के लिए बैठोगे, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस होने पे दिस लेवल 3 अकॉम्प्लिशमेंट इज गोइंग टू एड ऑन टू योर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स. इसके बाद में कोई भी आपको आईबी रिलेटेड जॉब लेने में भी बहुत फायदा होगा, कंसल्टेंट बनने में फायदा होगा, और अपने पहले स्विच के लिए लेवल 3 विल बी अ वेरी गुड एड ऑन जो आप अपने सीवी में ऐड कर पाओगे. So I am recommending this process for any future candidate, any prospect of CFA program, कि भाई इस तरह से आप अपने exams को plan कीजिए. अगर आप अपने class 12 में हैं, you still have a year to decide whether you want to do this course or not, और उसके बाद आप अपने दिए हुए plan को इस हिसाब से follow कर सकते हैं. Okay, so that was about the eligibility criteria. Now I'm talking about the important due dates. Now CFA ki due dates kafi zyada 3-3 mahine mein badalti rehti hai, so it is my duty to remind you all ki kaun si dates approach ho rahi hain. Just in case you are thinking of appearing for your 2023 examinations, तो ये ड्यू डेट्स आपके पास में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा. पहला, फरवरी में अगर आपको एग्जाम देना है तब आप लेट हो चुके हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी क्लोज्ड. अब फरवरी 2023 के लिए आप एग्जाम नहीं दे सकते, कई स्टूडेंट्स को ये बात पता ही नहीं रहती. सो या
अब जाग जाइए, फरवरी का विंडो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव मई एग्जामिनेशन। अगर हम मई के एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका भी अर्ली रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। सो नाउ यू कैन नॉट पे लेसर फी एंड स्टिल एनरोल फॉर लेवल वन, यू विल हैव टू पे अ हायर फी। तो ध्यान रखिए अर्ली रजिस्ट्रेशन हैव क्लोज्ड। इसके अलावा स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू है जो कि 31 जनवरी तक एप्लीकेबल होने वाला है। सो यू स्टिल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्चुअली रजिस्टर फॉर योर कोर्स। लेवल वन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, टाइम है आपके पास अगर आप मई के लिए सोच रहे हो। बट आई वुड रेकमेंड कि कोई भी स्टूडेंट अगर यहां से भी सोच रहा है तो अगस्त या फिर नवंबर के एग्जामिनेशन के लिए प्लान कीजिए। व्हाई फॉर? अगस्त की पहला तो दोनों रजिस्ट्रेशंस ओपन है, सो आप आराम से रजिस्टर कर सकते हैं 1 फरवरी तक इफ यू वांट टू अपीयर फॉर अगस्त एग्जामिनेशन गिविंग द अर्ली रजिस्ट्रेशन फी। वहीं पे अगर आपको स्टैंडर्ड फी देना है तो फिर आप 9 मई तक भी ये डिसीजन ले पाओगे। बात बाकी नवंबर 23 की, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं ओपन हुई है। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर प्रिपरेशन, यू कैन एनरोल फॉर द वीडियो कोर्सेस इफ यू वांट टू, लेकिन अभी टाइम है। अभी एनरोलमेंट में कम से कम 3 महीने 2 महीने की देरी है जब तक ये विंडो खुलेगा। सो डेफिनेटली ये है अपनी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो कि हर एक CFA लेवल 1 एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। नाउ ऑब्वियसली द फाइनल पॉइंट, स्कॉलरशिप। काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें, तो मैं आपको बता दूं एक्सेस स्कॉलरशिप का फिलहाल विंडो बंद है, लेकिन ये विंडो खुलने वाला है फ्रॉम 17 जनवरी 2023 टू 14 फरवरी 2023। एंड इस दौरान अगर आपने स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन भरा एंड अगर आपको रिवॉर्ड मिलना होगा तो वो डिसाइड हो जाएगा बाय 31 मार्च 2023। सो फॉर दोस हु आर आइंग फॉर CFA एक्सेस स्कॉलरशिप, तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है और इस विंडो को ध्यान रखिए, बी प्रिपेयर्ड। एंड यस, एक चीज एकदम इंश्योर कीजिए, कभी भी एग्जाम में एनरोल करना है हमेशा पासपोर्ट पहले रखिए, बिकॉज ऑल द ड्यू डेट्स आर क्वाइट फार। ये स्कॉलरशिप भी काफी दूर है, तो आप अपने पासपोर्ट के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए। हाँ, देयर इज अ स्मॉल ग्लिच हियर कि स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पर स्कॉलरशिप अगर आपको मिल गई और आपको रजिस्टर करना हुआ तब आपको पासपोर्ट चाहिएगा। सो इसीलिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर लीजिए। इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट, प्लीज अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। क्लियर? सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस दैट द इंस्टीट्यूट हैव प्रपोज्ड। सबसे बड़ा चेंज ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को लेकर के ही था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया एज टू व्हेन वन स्टूडेंट शुड एनरोल इनटू द प्रोग्राम एंड गेट स्टार्टेड विद द लेवल वन प्रिपरेशंस। सो ये है मेरी तरफ से एक स्मॉल अपडेट वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इन द वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में भी आप अपनी जो भी बातें हैं वो लिख सकते हैं, यू विल गेट अ रिप्लाई डेफिनेटली। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस रीच आउट टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। सो दैट इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड पढ़ाई करते रहिए।